व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एंड हर बार जो कंप्लेन रहती है लड़कों की, स्पेशली मेंस को, कि उनके लिए मैं कुछ नहीं लेके आती हूँ, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एंड आई थिंक ये इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो यस, मार्केट में वैसे काफ़ी सारे टेलर्स हैं, बट आप जब भी हर बार एक अच्छी फिटिंग, क्योंकि आप कपड़े बहुत महंगे महंगे लेते हैं, 10,000-20,000 तक के हम रेमोंड्स के कपड़े लेते हैं, बट वो फिटिंग जब नहीं मिल पाती है ना, जब वो सिलाई करके वो जैसा आपको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है ना, तो तब हम जाके डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो गाइज, मैं एक ऐसी जगह को कवर करने आई हूँ जो कि ऑलमोस्ट 34-35 ईयर्स पुराना है, एंड इसके बारे में आई थिंक ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, जो न्यू जनरेशन को नहीं पता है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो यहाँ पे मैं आज बात कर रही हूँ चोला टेलर्स की, जो कि फेमस है मेंस के लिए, मेंस स्टिचिंग के लिए, हर चीज, शर्ट, पैंट, कोट, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हम जो अंदर जाके बात करेंगे वो सब यहाँ पे स्टिचिंग होती है एंड प्रोफेशनल वे में। तो वो क्यों है, क्या है, वो सारे डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल बताती हूँ ये है कहाँ पे। सो मेरे पीछे आप देखेंगे टावर चौक, यहाँ पे आप देख सकते हैं टावर चौक से हम जो ये गोला रोड, गरीब स्थान जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे है ये, और बस टावर से आप समझिए कि 10 से 15 कदम आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे चोला टेलर्स ये वाला दिखेगा। एंड यस, मैप लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड यहाँ के एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। एंड चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते और अंदर चलते हैं एंड पूरे एरिया को कवर करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं चोला टेलर्स के अंदर में और कुछ इस तरह का यहाँ का लुक है। एंड जो मैं बता रही थी कि ये प्रोफेशनल क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं पूछूंगी अभी यहाँ पे अंकल हैं जो यहाँ पे काउंटर पे रहते हैं, तो आप जो भी, आपको जो भी चीज़ें सिलवानी हो, मैंने बताया स्टार्टिंग में कि शर्ट, सूट, कुछ भी, वो सारी डिटेल्स अभी हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, लाइक क्या क्या चीज़ें आप सिलवा सकते हैं। एंड बाकी सब जगह से ये बेस्ट क्यों है, मतलब क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगा, इतना साल पुराना होने के बाद भी मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता चला है। तो अभी हम यहाँ के व्यू को पहले देखिए, फिर हम अंकल से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे क्या 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 चीज़ें जो हैं जो आप सिलवा सकते हैं। सर वेलकम हमारे चैनल पे आपका। पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए, आप अपना नाम। मेरा नाम रवि कुमार। रवि कुमार, कितने साल से आप यहाँ चोला टेलर्स में? 15-16 साल हो गए। ओके, तो जैसा मुझे पता चला इसके बारे में, फिलहाल में पता चला, बट जैसे मुझे पता चला कि ये है तो बहुत ही पुराना, तो कितने साल पुराना है ये, कितने साल से चल रहा है? ये लगभग 32 साल से चल रहा है। 32 साल से है। और क्या क्या फैसिलिटीज है जो कस्टमर्स को आप प्रोवाइड करा रहे हैं? हम कस्टमर को सूट, शर्ट, पैंट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, सफारी, कुर्ता पैजामा, हाथ की सिलाई का कुर्ता पैजामा, अच्छा, और मेंस वेयर जितने भी हैं सब को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। सो जैसा मैंने काफ़ी सारे कस्टमर से सुना है और तभी मैं यहाँ कवर करने आई हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत आपके यहाँ की जो मशीन्स हैं उसको भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? जी, कर सकती हूँ। तो जैसे अंकल ने बताई दिया हमें सब कुछ के मेंस वेयर के जितनी भी चीजें हैं, मतलब कुछ भी दिमाग लगा लीजिए, कुछ भी आपको चाहिए, और वो भी आजकल क्या हो गया कि ज्यादा लोग स्टिचिंग नहीं करवाना चाहते, वो मार्केट से जाके रेडीमेड लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि उनको जैसा फिट चाहिए होता है ना, वो उनको किसी टेलर के पास नहीं मिलता है। तो ये आपको गारंटी देते हैं कि आपको जैसा फिट चाहिए, आप जिस तरह के सिलवाना चाहते हैं वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैटलॉग रखा हुआ है, सारे डिजाइन रखे हुए हैं। उसके अलावा आपके दिमाग में कोई और डिजाइन चल रहा है, आप वो आके बोलिए, वो सिल के देते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट इनकी ये है कि ये कोई चीज़ें, मतलब इनके पास हर एक चीज के लिए, लाइक कोट के जो काज बनते हैं
शर्ट का जो काज बनता है, पेस्टिंग जो होता है, वो सारा कुछ मशीन से होता है। आप कहीं पे भी नॉर्मली किसी भी टेलर की दुकान पे जाइएगा तो वो एक मशीन होता है, वहां से वो उसी पे करते हैं। तो वो जो फिनिशिंग हमें चाहिए होती ना, वो नहीं मिल पाती है। बट ये गारंटी लेते कि वो फिनिशिंग देते हैं, और अभी हम चलेंगे उस मशीन को भी कवर करेंगे। बट फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग चल रहा है। सो आप जब भी आइएगा, आपको जो भी जो भी आपको सिलवाना है तो आपको यहाँ आना होगा, काउंटर पे आइए, आप सारा कुछ अपना डिटेल्स दीजिए। यहाँ पे कटिंग्स का सारा काम होता है, और कुछ यहाँ पे बने हुए शर्ट एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं बंडी, सूट, शेरवानी, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे बना हुआ यहाँ पे मिलेगा। एंड जो भी काम होते हैं वो अलग जगह पे। गाइस, जैसा मैं बता रही थी, चोला टेलर्स का जो है सब कुछ अपना अलग से मशीन है, मतलब एक ही मशीन पे सारा काम नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो है स्पेशली कोट के जो काज बनते हैं उसके लिए, आप बहुत जगह पे देखेंगे कि वो एक ही मशीन पे या फिर हाथ से काम करते हैं, बट ये इनका सिर्फ कोट के काज के लिए। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं कोट में जैसे काज बनता है, यहाँ पे कुछ ही सेकंड में बन के रेडी हो गया। ये वाला आप देख सकते हैं शर्ट के काज के लिए, क्योंकि उनकी साइज एंड अलग होती है। तो ये वाला जो है शर्ट का काज के लिए ये है। और ये आप देख सकते हैं गाइस, कुछ ही सेकंड में ये बट शर्ट का भी काज बट सॉरी शर्ट का भी जो काज है वो कुछ ही सेकंड में रेडी हो गया। और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये शर्ट का है और ये कोट का है। ये गाइस जो आप देखते हैं बहुत जगह पे कोट में शर्ट में जो पेस्टिंग की जाती है वो लोग प्रेस करके करते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर पेस्टिंग मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी चला रहे हैं भैया, ऑटोमेटिक है, मतलब वो हाथ से वो प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से ये वर्क करता है, इधर से इन होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से ये पेस्टिंग के लिए यहाँ से इन किया जाता है, और इधर से ये बाहर, और ये इधर से ऐसे ये बाहर आता है। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए अभी हमें दिखाया जा रहा है, बट ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। और गाइज ये है बटन लगाने की मशीन, जो कि आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे हाथ से लगाई जाती है, वो इनके लिए इनके पास ये प्रॉपर मशीन है। ये देख सकते हैं गाइज, 2 से 3 सेकंड में ही यहाँ पे ये बटन जो है आराम से लग गया, और ये इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ शर्ट निकलवा रही हूँ, वैसे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ कोट बंडी सब कुछ, इधर में पैंट, और ये सारा शर्ट जो कि कस्टमर्स का दिया हुआ है और वो रेडी होके यहाँ पे बन के आया हुआ है। तो इन सब पे देखेंगे चोला टेलर्स का ये टैग भी लगा हुआ है, और ये सब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये फुल स्लीव्स वाले भी हैं, यहाँ पे हाफ स्लीव्स वाले भी हैं, तो इस तरह के अलग अलग है। तो आप हर जगह जाते हैं ना, स्टिचिंग आप देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा। आप जैसे नॉर्मल आप किसी टेलर के पास जाते हैं और उनकी और इनकी स्टिचिंग में क्या डिफरेंस है, आप रेडीमेड शर्ट जब लेते हैं उनकी स्टिचिंग आपको दिखती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विजुअल है ये, इस जगह का देख लिए, या यहाँ पे देखिए, या फिर इस एरिया का देखेंगे, ये स्टिचिंग जो है वो इतनी अच्छी है, कहीं से भी आपको ये दिखेगा बिल्कुल जैसे रेडीमेड में होता है। और इनफैक्ट मुझे पता चले इनके जो बटन होते हैं ये लोकल मार्केट का यूज ही नहीं करते हैं, ये सारा इम्पोर्टेड होता है। उसके बाद बात करें पेस्टिंग की, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है कि आप नॉर्मल टेलर के पास जाते हैं तो उनकी पेस्टिंग हर जगह सेम होती है, और वो नॉर्मल जो है आयरन से प्रेस करते हैं। बट यहाँ पे अभी जी चीज मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में जी। एक तो स्पेशलाइजेशन इस बात का है कि हमारे पास जो शर्ट के कारीगर होते हैं, ट्राउजर के कारीगर होते हैं, कोट के कारीगर होते हैं, ये सब अलग अलग। नॉर्मल टेलर में आप जाएंगे ना, एक ही बंदा बैठा हुआ है, वो शर्ट भी बना रहा है, पैंट भी बना रहा है, कोट भी बना रहा है, और वो बना कर देता है। तो उसका स्पेशल, जैसे हम डॉक्टर्स स्पेशल होते हैं, लॉयर स्पेशल होते हैं, हर केस का अलग अलग होता है। ये नेचर हमारे यहाँ ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे पास शर्ट के कारीगर अलग होंगे, कुर्ता स्पेशल है हमारे यहाँ, हाथ की सिलाई होती है इसमें।
ये कहीं भी मुजफ्फरपुर में अभी आज की तारीख में नहीं मिलता है, कारीगर ही नहीं है उनके पास। हमारे पास जो कारीगर है चूंकि वो 20-20 साल 25-25 साल पुराने, क्योंकि वो मेहनत का काम है, अब करने नहीं चाहते, पूरे हाथ की सिलाई होती है उनकी। तो एक तो ये बंडी आजकल फैशन में है, बंडी जी, हाँ, हाँ। तो बंडी का जो डिजाइन और ये होता है आजकल रेडीमेड में मान्यवर का बहुत ज्यादा क्रेज है, उससे सस्ते में और उससे बढ़िया और उससे बेटर क्वालिटी हम यहाँ पर बनाकर और परफेक्ट फिटिंग में देते हैं। रेडीमेड में दो चीजें होती है, एक तो मार्जिन नहीं होता है, जरा सा बॉडी अगर आपका फैलता है या सिकुड़ता है, ये दोनों ही हालत में आपकी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है। हमारे यहाँ जो कपड़ा स्टिच होता है ना, इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम मार्जिन डालते हैं, अगर बॉडी 2-3 इंच बढ़ गया। सर्विस हमारे यहाँ एक बेस्ट मतलब के कस्टमर्स के लिए होता है, एक्चुअली ये कस्टमर और हमारा एक रिलेशनशिप है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। जैसे एक बार आपने बनवा लिया जिप खराब हो गए पैंट के, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई कॉस्ट हम लेते हैं, वो जिप चेंज करके आपको मिल जाता है। बटन टूट गई, अब सेम बटन तो आपको कहीं मिलना नहीं, नहीं मिलेगा, मेरे पास लेकर आते हैं, मैं पूरे बटन चेंज करके आपको दे देता हूं, कोई चार्जेस नहीं करते हैं। कभी सिलाई उखड़ गई हो सकता है, धागा है जल सकता है, प्रेस में जल सकता है और किसी वजह से हो सकता है, वो मैं स्टिचिंग करके दे दिया, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते हमारे। तो जो हमारे यहाँ के बने हुए कस्टमाइज होते हैं ना, उसके लिए मैं सर्विस देता हूँ। टाइम पंक्चुअलिटी हमारे यहाँ, अगर मैंने कह दिया कि हाँ ये इस टाइम पे आपको दे दें, उस दिन में आप दे देते हैं। अगर रेडी किसी वजह से नहीं हो सका, कोई वजह पावर फैक्टर रह गया शहर में, किसी वजह से और कोई वजह हो गई, तो कस्टमर के साथ पहले से कमिटमेंट एक बार बात कर लेते हैं, उनके पास अगर टाइम है तो टाइम मेंटेन करते हैं, अगर नहीं टाइम है तो उनको पंक्चुअल टाइम पर देने के लिए अपना सारा एफर्ट लगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इसको करके देते हैं। और दूसरी चीज है कि जिन चीजों का जो चीज उसके अंदर हो सकता है, जैसे बंडी के लिए हमारा पेस्टिंग अलग होता है, कोट के लिए हमारा पेस्टिंग अलग होता है, शर्ट के लिए अलग होता है, एक शर्ट में 3 तरह की पेस्टिंग लगती है, जो कॉलर में लगती है, जो कफ में लगती है, जो यहाँ पे लगती है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बाकी जगहों पे है काम लिया, दुकान में गए, वो जो निकाल कर दे दिया, वो बनाकर अगले को हैंड ओवर। सॉफ्ट होता है, टाई कॉलर होता है, फटता नहीं है। आमतौर पे देखेंगे शर्ट जो लोग बनाते हैं बाहर से, ये कॉलर कट जाता है। यस जी जी, ये नहीं होगा हमारे यहाँ। यहाँ के बने हुए शर्ट 5-5 साल के बाद भी लोग लेकर आते, कटा हुआ नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम होता है मटेरियल का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके कपड़े खराब होते हैं। मटेरियल प्रॉपर मिलेगा और हर चीज के लिए अलग अलग मटेरियल मिलेगा। ये सब थैंक यू सो मच। रेट रीजनेबल है। अच्छा ओके जी। मार्केट में जो शोरूम्स वगैरह में बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर जो लेते हैं, हमारे यहाँ उसके अकॉर्डिंग बहुत कम रेट है। रेट पंक्चुअल है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। थर्ड जनरेशन हमारे यहाँ आज कर रही है, किसी के दादा 35 साल जो की दुकान का हो गया, 35 साल तो दादा आते थे, उनके लड़के आए, आज उनका पोता रहा है, और ऐसे हमारे दुकान को इस हाल में रखने के लिए हमारे कस्टमर्स ही हैं जो वो प्रॉपर इसको करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ये हाथ की सिलाई होती है पूरी, ये वाली ये हाथ की सिलाई होती है, पूरे हाथ की सिलाई होती है, ये सब हाथ की सिलाई होती है, ये सारी गाइस हाथ की सिलाई है जो आपको बाकी जगह ये जो मिलेगा नहीं, ये सारी जो है ना, ये सारी हाथ की सिलाई। अगर आप पीछे से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सफारी है जी, और ये एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड करते हैं, तो ये आप लोग ने बनवा कर देते हैं। तो अभी भी मतलब गाइस अगर आपको ये इस टाइप का बनवाना हो, मुझे नहीं लगता कि मुजफ्फरपुर में कहीं और ये चीज होता होगा। तो ये मुझे पहले लगा कि शायद कपड़े के साथ ऐसा, बट ये एम्ब्रॉयडरी ये करा के देते हैं। यहाँ पे एक और कलर में है, चोला टेलर्स के मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दिया, मैंने इनफैक्ट मशीन्स भी दिखाया है कि वो किस तरह से रेडी करते हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मशीन्स है, और कैसे वो लोग बहुत सारी चीज़ों को हाथों से करते हैं, जो कि इस टाइम में अब इतने ये सब बहुत पहले होता था जब हैंड वर्क करते थे लोग। अभी भी वो आपको यहाँ पे वो चीज़ चाहिए तो यहाँ पे आप करा सकते हैं, प्राइस रीजनेबल है,
बड़े बड़े शोरूम में जो होता है उससे रीजनेबल प्राइस में ये आपको रेडी करेंगे, जो टाइम देंगे वो उस टाइम पे आपको उस टाइम पे रेडी करके देते हैं। सो सारी डिटेल्स मैंने ऑलमोस्ट दे ही दिए, बाकी और भी कुछ पूछना है तो हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, यहाँ का मैप लोकेशन, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। एंड टाइमिंग जो है वो मंडे टू सैटरडे सुबह के 10:30 से लेके रात के 8 बजे तक ये खुला रहता है, और संडे के दिन 11 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। सो वीक में ये किसी दिन भी बंद नहीं रहता है, बट सिर्फ संडे को 11 से 4 बजे तक खुला रहेगा। सो उस बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। बाकी और भी कुछ है तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आप वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड अगर आप लोग यहाँ के कस्टमर पहले से हैं तो हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस जगह के साथ कैसा रहा है। एंड मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।